हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और आज हम थोड़ा कुछ नया पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में कोई चीज़ होती है बेसिक मैथ्स करके, ठीक है। क्या होता है इसमें कि कुछ कुछ इसमें पढ़ना पड़ता है, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स वगैरह, कुछ हम फॉर्मूले वगैरह सीखते हैं। क्यों सीख रहे हैं हम ये फॉर्मूला? बेसिकली क्या होता है कि फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स आनी ज़रूरत नहीं है आपको। अब फिजिक्स आपने लगा ली, उसमें आपने बता दिया कि भाई ब्लॉक नीचे आया है, इधर टेंशन इधर टेंशन। अभी भाई उस इक्वेशन को सॉल्व करने का भी तो है, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो पैरामीटर्स हम यूज कर रहे हैं, वो पैरामीटर्स के लिए क्या होता है, स्टडी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो हमें क्या कहिए, कुछ कुछ मैथ्स की आवश्यकता होती है, बिल्कुल आवश्यकता होती है ना। तो वो जितनी जो थोड़ी मोड़ी मैथ्स होती है वो क्या करते हैं, हम बेसिक मैथ्स में बेसिकली पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, फिजिक्स अब क्या है कि हमें पता है कि फिजिक्स क्या है, एक नेचुरल साइंस है, सबको पता है ये सब। तो हम उस नेचुरल साइंस में कैसे कैसे फिनोमिनास से डील कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं मोशन के से, हम डील कर रहे हैं मैटर से, एनर्जी से डील कर रहे हैं हम, ठीक है। कैसे इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनके मोशन और इनके इंटरैक्शन, इनके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब इनकी ट्रांसपोर्टेशन, इंटरैक्शन और जो भी है, जितना भी है, इन सब की स्टडी करने के लिए क्या चाहिए, हमें फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही तरीके की स्टडी करनी है यहाँ पे, ठीक। एक तरीके से काम नहीं चलेगा हमारा, ठीक है जी। अब फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए तो क्या होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है भाई? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज जो कि मेजरेबल हों। मेजरेबल की जैसी मैं बात करूंगी तो मैं किस चीज से डील कर रही हूँ यहाँ पे, कि मुझे ये पता होना चाहिए। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो कि अ डजन ऑफ बनानास। जब मैं बोलूंगी अ डजन ऑफ बनानास, इसका मतलब है कि आप मुझसे बोलोगे कि मैं कितने बनानास की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ। मैं 12 kg बनानास की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। या फिर मैं बोलूंगी कि 3 hours ऑफ स्टडी, तो मैंने अभी स्टडी का कितना आर मैंने यहाँ पे बोला है, मैंने बोला 3 hours। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ? मैं क्वांटिटेटिव स्टडी करने के लिए हम किससे डील कर रहे हैं? हम डील कर रहे हैं नंबर्स से। जब भी हम नंबर्स से डील कर रहे होते हैं, क्या बोला मैंने, जब भी मैं हम नंबर से डील कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल टूल्स की आवश्यकता होती है, ताकि हम उन नंबर से ऐसे जोड़ कोड़ के क्या करें, इक्वेशन बना दें और उस इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक। सॉल्व करना भी तो इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है कि करना क्या है, लेकिन कैसे करके आंसर निकालना भी तो इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। अगर वो नहीं निकालोगे तो गए, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है हमारा, कि हम यहाँ पे नंबर से डील कर रहे हैं, और उस नंबर से डील करने के लिए क्या चाहिए, हमें मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत है। तो वो मैथमेटिकल टूल्स हम क्या किसमें पढ़ते हैं, हम इस बेसिक मैथ्स के पार्ट में पढ़ते हैं, जो फिजिक्स के बिल्कुल स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा हम लोग को मास्टर हमारे पढ़ा देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की, थोड़ा मैं आपको अभी आज के लेक्चर में बताऊंगी, फिर जैसे जैसे अगले लेक्चर्स आएंगे तो मैं बेसिक मैथ्स के ही कुछ कुछ पार्ट, कुछ कुछ क्या क्या उसमें यूज होता है वो मैं आपको बताती चलूंगी। तो चलिए बिना कोई वक्त वेस्ट किए स्टार्ट करें, हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो, ठीक है। तो बहुत बिल्कुल सिंपल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो आपको भी आना चाहिए। तो मैंने क्या बनाया है, मैंने पहले बनाया है ये ऐसे गोला, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं सर्किल। क्या कहते हैं इसे, सर्किल। सर्किल का ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो डॉट रखा है मैंने, ये क्या होता है, सेंटर होता है। क्यों होता है ये डॉट, मैंने बोला यहां पे सेंटर क्यों नहीं है, क्यों? वही पॉइंट सेंटर होता है जिस पॉइंट से सर्कल के सर्कमफेरेंस के हर पॉइंट की जो दूरी होती है, इस सर्कल की हर दूरी जो, हर पॉइंट की जो दूरी होती है, इस पॉइंट से क्या होगी, सेम होगी। सेम होगी तो ही हम इसे सेंटर कहेंगे भाई साहब, ठीक। ये बात समझ आना है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। मैंने बोला अगर मैं सर्किल पे एक पॉइंट यहां पे ले लूं, यहां पे मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिया है, और मैं इस बीच वाले पॉइंट को, अरे मैं इस बीच वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ऐसे मिला दिया मैंने, ठीक है, मिला दिया। तो ये वाली जो डिस्टेंस मिलती है सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे किसी भी एक पॉइंट को जब तुम सेंटर से मिलाओगे, तो जो दूरी तुमको मिलेगी वो दूरी कहलाती है रेडियस ऑफ दिस सर्किल। सारे ही पॉइंट किसी भी पॉइंट से मिला देना, रेडियस एक ही आएगा, ठीक। अपोजिट पॉइंट को मिलाओगे थ्रू सेंटर तो डायमीटर मिलेगा, ठीक। ये बेसिक बिल्कुल बेसिक बात है, इतना तो पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। अब मैंने बोला कि मान लीजिए,
मान लीजिए क्या किया है मैंने, मैंने बोला मान लो ये है एक पॉइंट ए, ठीक, और मैंने बोला यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है बी, ठीक। तो मैं ए से चलना चालू करी हूँ सर्किल पे, चली 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 कहाँ चली, बी तक पहुँचे, मैं बी तक पहुँचे, इस पॉइंट बी तक हम पहुँच गए। सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे ये जो दूरी मैंने चली है ए से लेकर बी, ए से लेकर बी लेंथ जो मैंने चला है इस सर्किल पे, वो क्या कहलाता है, आर्क ऑफ दिस सर्किल, आर्क ऑफ दिस सर्किल क्या है, ए बी है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल है, ठीक। मैंने बोला चलने के लिए कुछ एंगल रोटेट किया होगा मैंने सेंटर पे, बिल्कुल रोटेट किया ऐसे। मैंने बोला मैंने इस पॉइंट को ए से जोड़ा, तो मैंने बोला इस वाले पॉइंट को जरा बी से भी जोड़ दो, तो मैंने बोला ए से बी पहुंचने में कैसे मैं चला, मैंने बोला ऐसे चले हम थोड़ा, तो ये कुछ हम क्या करें, एंगल रोटेट किया हमने, तो इस एंगल को मैंने क्या बोल दिया है, थीटा बोल दिया है। ये है एंगल रोटेटेड बाय दिस आर्क ऑन दिस सर्किल फ्रॉम ए टू बी, ठीक। अभी ए से बी चलने के दो तरीके, दो तरीके से हम ए से बी पहुंच सकते हैं, कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। मैंने बोला भाई साहब या तो यहां से तुम यहां चल जाओ, ठीक, एक तरीका तो ये हो गया। एक और क्या तरीका है भाई, मैंने बोला एक तरीका ये भी है कि ए से तुम चलो 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 चलो, ओ भाई चले चले और बी पे पहुंच गए, ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं। तो इस समय कौन सा एंगल रोटेट किया है मैंने इस सर्किल पे, मैंने बोला ये वाला एंगल रोटेट किया भाई तुमने, ये थीटा टू वाला, बिल्कुल रोटेट किया हमने, ये आता है समझ में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मैं आर्क ए बी की बात करूंगी तो मैं बोलूंगी उसके आगे वाले एंगल थीटा की बात, ठीक, और मैं आर्क जब इस वाले ए बी की बात करूंगी तो इस वाले थीटा की बात कर रही हूं मैं, बिल्कुल मिक्स करने का मतलब ही नहीं है कोई, ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ में आती है। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला तो क्या होता है कि एक फॉर्मूला इसमें से निकल के आता है कि थीटा जो होता है हमारा, ये जो एंगल रोटेटेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल होता है, ये किसके बराबर होता है, ये आर्क अपॉन में रेडियस के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन में रेडियस के बराबर होता है, ठीक, बिल्कुल समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, ठीक है। क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस के बराबर। अब जब तुम बोलोगे थीटा की बात करोगे, अगर मुझे थीटा वन निकालना होगा तो मैं कौन से वाले आर्क की लूंगी, क्या मैं येलो वाला आर्क लूंगी क्योंकि ये भी आर्क ए बी है, या फिर मैं ये ग्रीन वाला आर्क लूंगी क्योंकि ये भी आर्क ए बी है। आप बोलोगे कि मैम कौन सा वाला थीटा, उसके सामने वाला आर्क ले लो, ठीक। तो मैंने बोला अगर ये वाला थीटा किस आर्क के द्वारा रोटेट हुआ है, इस छोटे वाले आर्क के द्वारा रोटेट हुआ है, ठीक है, ये वाले सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, ये माइनर सेक्टर के आर्क की बात कर रहे हैं हम, ये मेजर सेक्टर के आर्क की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आती है समझ में, बिल्कुल आना चाहिए। तो हमने क्या बोला कि थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक। अभी ये क्वेश्चन करके देखेंगे कैसे करेंगे। हमने बोला कि मान लो कि आर्क है तुम्हारे, आर्क लेंथ है तुम्हारी 2 मीटर, और जो तुम्हारी रेडियस दे रखी है, अगर यदि ये 3 मीटर दे रखी है तो क्या तुम इससे थीटा नहीं निकाल लोगे। सर्किल में आर्क दे रखा है 2 मीटर और रेडियस दे रखा है 3 मीटर। अब बोला है कि व्हाट इज द एंगल रोटेटेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो कैसे निकलेगा। आपने बोला कि भाई हमें ये फॉर्मूला पता है, तो हम बोलेंगे थीटा इक्वल्स टू आर्क बटा में रेडियस करोगे तो ये कितने में आया, 2/3। क्या होता है यूनिट, रेडियंस होता है, क्या होता है यूनिट, रेडियंस होता है, भूल ना जाना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीटा का जो यूनिट होता है वो रेडियंस होता है, ठीक। आती है ये बात समझ में, बिल्कुल आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी एक चीज और बताना। मैंने बोला ये सर्किल है, बिल्कुल, मैंने बोला अगर पूरा एंगल रोटेट होएगा, पूरा एंगल रोटेट होगा तो मतलब कितना रोटेट हुआ, तो आप बोलोगे कि मैम पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, इसका मतलब मैं बोलूंगी ये कितना रेडियंस के बराबर होता है, इसका मतलब ये होता है कि 2π रेडियंस के बराबर होता है ये, ठीक ठीक, रेडियंस में हम ये लिखते हैं। मैंने बोला चलो ऐसा करो, मुझे आधा एंगल रोटेट करने का, मुझे पूरा जाने का ही नहीं है,
पूरा जाने का नहीं है। कैसे कितना जाने का है? मैंने बोला कि मुझे बस इतना एंगल चाहिए, आधा, सेमी सर्कल की बात हो रही है। तो बोलोगे कितना एंगल रोटेट, मैंने बोला 360 था पूरा, उसका आधा कर देने का है, तो कितना कर देने का है? तो मैंने बोला 180 कर देने का है। यही तो किया, इसका आधा कर दिया। इसका मतलब अगर इसका आधा तो इसका भी आधा, तो इसका मतलब इस समय रेडियंस में कितना चले हम? इस समय हम रेडियंस में चले पाई रेडियंस। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं किया है, आधा आधा कर दिया। मैंने बोला चलो अब ऐसा करो, इसका भी आधा कर दो। इसका आधा करोगे तो क्या करोगे, कितना हो जाएगा एंगल? क्वाड्रेंट में हम पहुंच जाएंगे। क्वाड्रेंट मतलब हमने बोला 90 डिग्री पे आ गए भाई साहब, इसका अभी आधा किया तो हमने ऐसे आ गए हम, मतलब इसका आधा किया, 180 का आधा कितना हो जाएगा 90 कितना हो गया भाई, 90 हो गया, मतलब इसका भी आधा, मतलब पाई बाय टू रेडियंस। कोई जाम नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल सीधी सीधी समझ में आने का है। ये आधा आधा कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक, अब जो चीज कंफ्यूजन होती है उसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं? मैंने बोला अच्छा बताओ, अब तुम बहुत होशियार बन गए, अब तुम एक बात और बताओ। क्या बताओ? तुम बताओ 45 डिग्रीज रेडियंस में कितना होगा? तुमने बोला कि कुछ नहीं करने का है। आपने बोला था कि 180 डिग्री कितने बराबर होता है? पाई रेडियंस के बराबर होता है। ठीक है, अब यूनिटरी मेथड लगाने का है मेरे को। मैंने बोला 1 डिग्री फिर किसके बराबर होगा? 1 डिग्री बराबर होगा पाई बाय 180 रेडियंस के। ठीक है, अगर आप हमसे पूछोगे 45 डिग्रीज कितने बराबर होता है, इसका मतलब वो कितना होता है, 180 इंटू 45 डिग्रीज, जितना भी रेडियंस निकल के आया। ठीक, यही होगा, बिल्कुल यही तो करते आ रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी से क्या कर दिया उन्होंने, इसका मतलब उन्होंने क्या बोला कि जब भी मुझे डिग्री को रेडियंस में बदलना होगा, जब भी मुझे डिग्री को रेडियंस में बदलना होगा, बिल्कुल नोट डाल के बात लिखिए कि टू चेंज रेडियंस में जब हमें बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिग्री वाले टर्म को पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। किया ना हमने, डिग्री वाले टर्म को जब चेंज करना था तो हमने पाई बाय 180 डिग्री वाले से मल्टीप्लाई किया था। सिमिलरली जब हमें डिग्री में बदलना पड़ेगा, डिग्री में चाहिए होगा और रेडियंस में दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, रेडियंस वाले टर्म को क्या करेंगे, हम इसके उल्टे, मतलब 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिग्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक सिंपल एक रूल निकाल लिया है, अब हम इसे ध्यान रखना पड़ेगा। भूलोगे तो अगर तुम्हें इतना चीज ध्यान है कि इस तरीके से बताया गया था और इस तरीके से डेरिवेशन चालू हुआ था, तो फिर कुछ हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, ये भूलोगे तो बहुत जगह मिस्टेक करने की चांसेस है। ठीक है, तो अब थोड़ा हम आगे चलेंगे और क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। उसके बारे में भाई साहब बहुत सी चीज़ें बोली गई हैं। तुमने बोला राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है क्या, ये है ऑलमोस्ट है, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कोई क्या कर गया था, एक रूल दे गया था। क्या था वो रूल, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक रूल दे गया था कोई। क्या था वो रूल, वो था पाइथागोरस थ्योरम दे गया था। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार बता देंगे क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है एबी का स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। मतलब कि ये जो दोनों साइड हैं जो 90 डिग्री को कंटेन कर रहे हैं, जो एंग साइड्स, उन दोनों साइड्स का स्क्वायर का जो सम होगा वो इस हाइपोटेन्यूस वाले जो 90 के सामने वाली साइड है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, आती है समझ में, कैसे लगा के भी देखना है। मैंने बोला मान लो ए बी की लेंथ है 3 मीटर, बी सी की लेंथ है 4 मीटर, तो बताओ ए सी की लेंथ क्या होगी, कैसे निकालेंगे।
मैंने बोला ए बी की लेंथ है 3 का स्क्वायर, बी सी की लेंथ है 4 का स्क्वायर, कितना आ गया ये किसके बराबर आ गया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज 5 सेंटीमीटर मेंटीमीटर जो भी होगा, इसका मतलब ए सी कितना हो जाएगा 5। ठीक, ऐसे ही मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये बताओ 1 है, ये रूट 3 है और ये एक्स है, तो अभी बताओ एक्स की वैल्यू क्या करोगे, 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो एक्स हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरीके से तो हमने देखा कि भाई साहब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। अच्छा, अब राइट एंगल ट्राइंगल से हम कुछ और भी चीजें खेलते हैं। अभी क्या हमें ये जो इसके साइड्स हैं और इसके जो एंगल्स होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, इसके बीच में क्या होता है, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं हम, वो रिलेशन सॉरी इसके साइड्स और जो एंगल्स हैं इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। किसके द्वारा वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की जाती है, वो एस्टैब्लिश की जाती है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नाम की कोई चीज़ होती है, उसके द्वारा हम एस्टैब्लिश करते हैं ये रिलेशनशिप। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्यों यूज होती हैं, वो इसीलिए यूज होती हैं बता रही हूँ मैं। जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अभी इस राइट एंगल ट्राइंगल में तुम्हें पता है कि अगर मैंने ये एंगल थीटा बोला है, ये एंगल थीटा बोला है, तो थीटा की जो सामने वाली साइड होती है, थीटा की जो सामने वाली साइड होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक, और जो बची वाली साइड बच गई या फिर एडजेसेंट वाली साइड होती है उस एंगल थीटा के, उसे हम कहते हैं बेस। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, या फिर हम दूसरे बेस पे करेंगे, ये रहा 3, 4 और 5, ये थीटा एंगल, ये 90 डिग्री। अब बताओ इसमें हाइपोटेन्यूस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, तो आप बोलोगे कि भाई थीटा के सामने वाली साइड मतलब 4, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया इसके का 4 हो गया, मीटर में लिख लेना, मीटर मीटर। ठीक, बेस क्या हो गया, बेस बेस ये एडजेसेंट वाला साइड क्या हो गया, ये 3 मीटर, और ये बचा हुआ 90 के सामने वाला साइड जो सबसे लंबा है वो क्या हो गया, वो हाइपोटेन्यूस हो गया, कितना हो गया ये 5 मीटर के बराबर। ठीक, आती है ये बात समझ में, बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है, मैंने बोला एक ट्राइंगल और देना है, बताना, एक ट्राइंगल और देंगे ये है ए, ये बी और ये सी, ठीक है, साइड लेंथ है ए बी सी और ये 90 डिग्री है। ठीक, अब इस ट्राइंगल में तुम मुझे जरा क्या बता दो, परपेंडिकुलर बताओ, हाइपोटेनियस बताओ और बेस बताओ, कैसे बताओगे, नहीं बताओगे, नहीं बताओगे, क्यों बताओगे भाई, बता ही नहीं सकते हो, क्यों नहीं बता सकते हो, इसलिए भी बता सकते हो कि मैम आपने थीटा तो दिया ही नहीं है, थीटा दोगी तो बताएंगे कि कौन सा वाला साइड के सामने वाला एंगल, कौन से वाले एंगल के सामने वाली साइड देखनी है जिसको मैं परपेंडिकुलर कहूंगी। ठीक है, अपने मन से नहीं कि एक को परपेंडिकुलर दूसरे को बेस देने का है। ठीक है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे पहले थीटा तो बता दो, जैसे ही मैं बोलूंगी कि ये वाला एंगल थीटा है तो तुम बोलोगे बस खत्म कहानी, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कितनी हो गई, बी, बेस क्या हो गई उसके एडजेसेंट वाली साइड ए, और हाइपोटेनियस क्या हो गई 90 डिग्री के सामने वाली साइड सी। ठीक, थीटा पता होगा तो हम उसका परपेंडिकुलर बेस बता सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का, थीटा नहीं पता होगा तो तुम परपेंडिकुलर और बेस वगैरह कुछ भी नहीं बता पाओगे। तो बहुत होशियारी की जरूरत नहीं है, जितना पता है उसके हिसाब से काम करना। ठीक है, आता है समझ में, बिल्कुल आता है समझ में। ठीक है, अब क्या है, हम कुछ बात कर रहे थे इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम कुछ बात कर रहे थे, तो हमने बोला ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस
और ये जो एंगल्स होते हैं इस ट्राइंगल के, उसके बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं कुछ सर्टेन चीज़ें, क्या होती है, वही होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बोला गया है, कुछ नहीं है उसका सीन, ये क्या है पी बाय एच होता है ना, जो पी बाय एच को हमें बार बार बोलना नहीं पड़े, तो हमने क्या कर दिया है इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो असाइन कर दिया है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो असाइन किया है, साइन थीटा। ठीक है, बहुत बार बार बोलने में लंबा लगता है तो हमने बोला साइन थीटा बोल दो, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस हो गया इस ट्राइंगल के लिए। ठीक है, जब किसी एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, बी बाय एच को बार बार ना बोलना पड़े तो हमने इसको क्या दे दिया, हमने उसको दे दिया कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली पी बाय बी के लिए जो हमने टर्म निकाला, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस के रेशियो के लिए जो हमने टर्म निकाला, वो हमने निकाला टेन थीटा। ठीक है, और क्या निकाला हमने, बोला कि अब एच बाय पी को भी अगर बोलना पड़े इसके रेशियो को, इसको रेशियो को हमने बोल दिया कोसेक थीटा। ठीक है, एच बाय बी के रेशियो को हमने बोल दिया सेक थीटा, और बी बाय पी के रेशियो को हमने बोल दिया कॉट थीटा। ठीक, इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से करके हमने छह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या निकाल ली। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी रेशियोज निकाल लिए। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, हमें बार-बार बोलने का मन नहीं था तो हमने इस तरीके से कर दिया। ठीक, अब ये पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी, एच बाय पी, एच बाय बी, बी बाय पी, ठीक है, क्या क्या डिफाइंड है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा विद रिस्पेक्ट टू द थीटा गिवन इन अ गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, ठीक है, मैंने बोला भाई याद कैसे होगा ये, तो याद करने के लिए क्या है, एक ट्रिक है, ट्रिक है, क्या है वो ट्रिक, वो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद। ठीक, क्या है ये ट्रिक, ये ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, अभी लगाने का कैसे है इसको, ये वाला क्या है, ये है आपका साइन, ये है आपका कॉस, ये है आपका टेन। ठीक, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा पी बाय एच, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बी बाय एच, और टेन थीटा क्या हो जाएगा पी बाय बी के बराबर। ट्रिक फिर से सुन लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक, याद कर लेना, और वैसे तो तुम करते करोगे ना इतना तो अपने आप ही ये सब चीजें रट जाती हैं, स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम बता देते हैं। ठीक है, इससे अगर तुम अगर बिल्कुल ध्यान से अगर तुम देखोगे तो तुम बिल्कुल एक चीज और देख पाओगे कि ये जो कोसेक थीटा है ना तुम्हारा, ये कोसेक थीटा तुम्हारा कुछ नहीं है, क्या है ये साइन थीटा का ही, देखो मैंने उल्टा लिख दिया बिल्कुल, ये पी बाय एच था, ये एच बाय पी है, इसका मैंने मतलब क्या हो गया, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा, दिस कैन बी रिटन, बिल्कुल ठीक। अभी और देखना, बी बाय एच कॉस थीटा, एच बाय बी इज सेक थीटा, क्या हो गया इसका मतलब, कॉस थीटा का इनवर्स ही क्या होता है, सेक थीटा होता है, इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा। ठीक, बिल्कुल सही, आगे बढ़ेंगे, टेन थीटा पी बाय बी, कॉट थीटा बी बाय पी इनवर्स, तो मैंने बोला टेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, वन अपॉन कॉट थीटा। ठीक, तो मैंने आपस में भी इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या किया है, रिलेशनशिप फाइंड कर लिया है। ठीक है, आपस में भी तो लिंक्ड होना चाहिए, नहीं होंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना, आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें और देखेंगे, अगर तुम बिल्कुल टेन थीटा को केयरफुली देखोगे तो तुम्हें एक चीज दिखेगी, क्या दिखेगी कि मतलब टेन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, अगर तुम साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर दो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं टेन थीटा,
क्यों लिख सकते हैं हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा को टेन थीटा। देखो क्यों लिख सकते हैं, टेन थीटा तुम्हारे पास क्या गिवन था, टेन थीटा तुम्हारे पास गिवन था पी बाय बी। ठीक, मैंने बोला न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को जरा हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दो, तो मैंने बोला ये बन जाएगा पी बाय एच और ये बन जाएगा बी बाय एच। अब तुम्हारा पी बाय एच क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है होता है। और तुम्हारा बी बाय एच किसके बराबर होता है, बी बाय एच किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये नीचे आ गया कॉस थीटा, इसका मायने क्या हुए, इसका मतलब होता है कि टेन थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं लेकिन इतनी ही आनी है, और इतनी ही नहीं पता होंगी तो क्वेश्चन गोल कर दोगे, हो नहीं पाएगा। इसीलिए ये सब चीजें पता होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर निकालना है ना हमें एट द एंड ऑफ द डे क्या करना चाहिए, हमें आंसर शीट पे आंसर मार्क करना है, वो भी तो आना इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए क्या है, बेसिक मैथ्स भी थोड़ी थोड़ी जितनी पढ़ा रहे हैं उतनी आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक बार आप देख लो इसको। ओके देन, तो आगे बढ़े हम, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे कि अभी हमने जो पढ़ा है जो सीखा है वो देख रहे हैं कि हमसे लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मैंने बोला ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, इसको बोल दो तीन, ये चार। ठीक है, अभी क्वेश्चन दे रहे हैं हम, क्या है क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ किसकी, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और क्या है कोसेक थीटा कॉट थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, इन सबरों की क्या करिए, वैल्यूज निकालने का है। ठीक, कैसे निकलेगी वैल्यूज। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये दो साइड की, दो साइड हमें पता है तो हम तीसरा साइड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हमने बोला पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला जो मान लो इसको x माना है मैंने, तो x विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर दैट इज 5। तो मेरे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर्स, मीटर मीटर। ठीक है, अभी क्या बोलेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा देखो थीटा ये रहा, थीटा की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है लिख दो उसके ऊपर, बची वाली साइड बेस, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस। अब लिखते चले जाना, साइन थीटा मतलब पी बाय एच मतलब 3/5। ठीक, कॉस थीटा, कॉस थीटा इस वाले ट्रायंगल के लिए आपने बोला बी बाय एच होता है, बी क्या है आपका 4 बाय एच, एच कितना 5, ये भी आ गया। टेन थीटा देखेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा मैंने बोला था किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर होता है, परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना 4, टेन थीटा बिल्कुल आराम से करोगे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा या तो मैं बिल्कुल साइन थीटा का ही अपोजिट लिख दूं, कितनी 5/3, या फिर मुझे पता भी है एच बाय पी होता है। कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका अपोजिट, टेन थीटा मतलब 4/3 के बराबर। और सेक थीटा किसका अपोजिट, कॉस थीटा के अपोजिट, कितना हो जाएगा 5/4 के बराबर। ठीक, होना चाहिए ये आपसे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन आपको दूंगी इस तरीके से, कैसे अगर करने के लिए मैं क्वेश्चन दूंगी, मान लीजिए 1 है, ये √3 है, ठीक है, थर्ड साइड मुझे नहीं पता, ये वाला एंगल मैंने बोला है थीटा है, तो फाइंड फॉर दिस ट्राइंगल क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, तो और क्या सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक, निकाल लो, ये आपको खुद से करने का है, ये सवाल करके देखना, इजी होना चाहिए, ये 90 डिग्री है इधर भाई, इसको नाम भी दे दो एबीसी। ठीक है, तो हो जाएगा ये सवाल,
बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। इजी इजी है, अभी तो हम लोग बिल्कुल बेसिक पे खेल रहे हैं सब कुछ। ठीक है, अभी हम थोड़ा आगे कुछ देखेंगे ट्रायंगल में, और भी कुछ कुछ मस्त मस्त चीज़ें हैं वो देखिए क्या है। तो मैंने बोला मान लीजिए अगर ये थीटा हो गया तो ये हो गया पी, ये हो गया बी और ये हो गया एच, ये 90 डिग्री, ये ए, ये बी और ये हो गया भाई सी। ठीक है, इतना तो पता है बिल्कुल। ठीक है, तो मैं इस ट्राइंगल ए बी सी डी, ए बी सी के लिए अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि ए बी का स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ऐसे लगेगा पाइथागोरस कि कुछ और तरीके से लगेगा, इसी तरीके से लगेगा। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर है, बेस का स्क्वायर, बी सी के स्क्वायर किसके बराबर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर किसके बराबर है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर है। ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है, मैंने बोला ऐसे करो पूरी जो है ना लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड को तुम हाइपोटेनियस के स्क्वायर से क्या करो, डिवाइड करो। तो मैंने बोला ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बेस का स्क्वायर बाय एच का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, थोड़ा माफ कीजिएगा, तो बी बाय एच किसके बराबर बोला है हमने, बी बाय एच हमने बोला है कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, पी बाय एच किसके बराबर था, साइन थीटा के बराबर था, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, साइन थीटा के स्क्वायर के बराबर होगा, और ये कितना है, 1 है। ठीक, इससे मेरे को क्या निकला, इससे मेरे को एक आइडेंटिटी मिली है। क्या है वो आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी है कि साइन थीटा स्क्वायर प्लस ऑफ कॉस थीटा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 1 होता है। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल। और हम क्या करेंगे, और मैंने बोला इस पूरे को जरा कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, ये जो हमें आइडेंटिटी मिली है ये हमारी पहली आइडेंटिटी हो गई। मैंने बोला इस आइडेंटिटी को जरा तुम पूरे को कॉस थीटा से डिवाइड करो, तो इसको तुम डिवाइड करोगे इस वाले आइडेंटिटी को, तो इसको कॉस थीटा का स्क्वायर बाय कॉस थीटा का स्क्वायर विल बी 1, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 10 स्क्वायर थीटा, और ये कितना बनेगा आपका, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये हमारी हो गई दूसरी आइडेंटिटी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल, उसी से खेल रहे हैं, घुमा घुमा के लिखेंगे, यूज आते हैं इन सब चीज़ों के, इसीलिए हम बता रहे हैं। अभी जैसे कि आपने अभी इसको अभी क्या करो, इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो पहली वाली आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर बाय साइन थीटा का स्क्वायर ये वाला, तो ये कितना होगा, ये आपका, अभी मैंने इसको क्या किया है यहाँ पे, इसको डिवाइड कर दिया है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कहाँ चला गया, मैंने इसे किया 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या बना ये क्या बनेगा आपका, 1 बाय साइन स्क्वायर कॉस बाय साइन विल बी इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारी एक आइडेंटिटी और निकल कर आई है, किया कुछ नहीं है, एक हमने डिराइव करके डिवाइड 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 खेला है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया हमने, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी निकाल ली। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और देखेंगे आगे की चीज़ें। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है कि थोड़ा थीटा आर्क रेडियस इन सब के चीज़ों बारे में पढ़ा हमने, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम जाने कि क्या होते हैं और कैसे कैसे वो निकलते हैं, और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा कि कैसे वो हम डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, अगले वीडियोस में कैसे इन्हें लगाना है और बाकी आगे की चीज़ें कि बेसिक मैथ्स में क्या क्या यूज़ होती हैं वो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, चलिए ख्याल रखें।